स्मृति ईरानी जी, आपको चूड़ियों का याद ताज़ा होगा, ये चूड़ियाँ फिर लाया हूँ। ये चूड़ियाँ आज देश के प्रधानमंत्री, कृषि मंत्री, तमाम संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों को पहन लेना चाहिए। और ये तो कुत्ते से भी गए गुजरे हैं भैया। जो कुत्ता रोटी खाता है, अपने मालिक के सामने में वफादारी करता है, अजनबी आदमी पर भौं भौं करता है और पूंछ हिलाता है, ये भाजपा आरएसएस के नेता, ये तो कुत्ते से भी गए गुजरे हैं। कम से कम कुत्ते से तो सीखा होता। सवाल उठता है पत्रकार महोदय, ये वही कौम के लोग हैं जब देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, 121 लोगों को फांसी हुई थी, 93 लोग इसी समुदाय से थे, 2600 लोगों को उम्र कैद की सजा हुई थी, उसमें 121 लोग इनके समुदाय से थे। जब हिंदू धर्म खतरे में था तो इन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा की, अपने शीशों की कुर्बानी दी, अपने बच्चों को कुर्बानी दी। ये वही धर्म के लोग हैं जब गुरु नानक जी ने लंगर शुरू किया था। आज पूरे देश में लंगर की सेवा है, वहाँ नहीं पूछा जाता है कि आप किस जाति धर्म के हैं, किस भाषा और प्रांत के हैं, कहाँ के रहने वाले हैं। आप जब जोरा घर में जाओगे जोरा रखने, लंगर चखने के लिए, तो आपके जोरे में पॉलिश करके मिलता है। मानवता की मिसाल कायम की थी। आज भाजपा आरएसएस के नेता अनर्गल बयान देते हैं, चाहे वह रंडवा मनोहर लाल खट्टर हो या दो कौड़ी का मनोज तिवारी, ही हौसले रिंग किया के पापा, जब 5 रुपया के अंडा के लिए बिग बॉस में छीछा लेदर कर दिया, जो दिल्ली में महिला शिक्षिका ने गाना के लिए बोला, अरे नाचने गाने वाले को गाने के लिए नहीं बोलेगा तो क्या बैरिस्टरी करने के लिए बोलेगा? आप डॉक्टर हो, दवाई लिखोगे, तो महिला का अपमान किया। जब सासाराम की महिला का पति गुजर गया अनप्लान्ड लॉकडाउन में, वो घर जाना चाह रही थी, मनोज तिवारी कहाँ था? ये सवाल उठता है ना। आप क्यों ला रहे काला कानून? 103 साल पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बैरिस्टरी छोड़कर बिहार के चंपारण आए, वहाँ से उन्होंने आंदोलन किया, पूरा देश एक साथ था, गोरे अंग्रेजों को सात समुंदर पार खदेड़ दिया गया। और ये रॉयल सीक्रेट सर्विस वालों को किसने अधिकार दे दिया भाई? मुसलमान आंदोलन करे तो पाकिस्तानी। आपने अनुराग ठाकुर का बयान सुना होगा कि देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को। जब यही मौलाना बीजेपी में चले गए तो इनके जीजा फूफा हो गए। जब वहाँ महिलाएं बैठ रही थी तो वो बाजारू थी, जब वहाँ चली गई तो इनकी बहन हो गई। आपने फारूक अब्दुल्ला को भी देखा होगा, जब बीजेपी में वाजपेयी सरकार में थे तो देशभक्त हो गए, महबूबा से राखी बंधाते थे, बाद में देशद्रोही हो गया। तो ये सर्टिफिकेट बांटने का काम आपका नहीं है, आप सावरकर के लोग हैं। जब देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, सेलुलर जेल में 80,000 स्वतंत्रता सेनानी बंद थे, उसमें एक अकेला सावरकर ही ऐसा था जो 60 रुपया महीना गोरे अंग्रेजों से दलाली लेता था, माफ़ी मांगा था, तो गोरे अंग्रेज का जीजा फूफा लगता था जो 60 रुपया महीना देता था। ये भगत सिंह के कौम के लोग हैं जिसके खिलाफ सूर्य नारायण ने वकालत की थी और जिसके खिलाफ हिंदू महासभा के सरसादी लाल ने झूठी गवाही दी, जिसके कारण भगत सिंह को फांसी हुई। आज भी उसका मवाना मेरठ के साइड में चीनी मिल वगैरह है, जाके देखिए, इतिहास गवाह है। आप कल भी गोरे अंग्रेजों के दलाल और मुखबिर थे, आज भी विदेशी शक्तियों के हाथ में खेल रहे। ये हक आपको नहीं दिया कि हमारे ही देश के लोगों को आप अलग अलग तरह से नक्सली कहिए। छात्र आंदोलन करे तो नक्सली हो गया, मुसलमान करे तो पाकिस्तानी हो गया, पंजाबी किसान आए तो खालिस्तानी हो गया, माने आप ही देशभक्त हो गए। एक बात बताइए, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार में जाते हैं, कहते हैं 300 आतंकी बिहार में घुस जाएगा। इनका नित्यानंद राय कहता है आतंकी बिहार में घुसना, माने सब कुछ आप ही को पता है। आपने जिन देश के अन्नदाता किसान भाई के लिए इतने बड़े बड़े बुलडोजर लगा दिए, बड़े बड़े कटीले तार हैं, वाटर कैनन के फवारे छोड़ रहे, आंसू गोश के गोले छोड़ रहे, इतना अगर गलवान में व्यवस्था किया होता, पुलवामा में किया होता, तो आज पुलवामा की घटना होती, चाइना अंदर घुसता? ये सवाल पूछता है। हमने इस कौम को देखा है, इनके धैर्य को देखा है, इनकी देशभक्ति को देखा है। इन पर सवाल उठाना अपने मुंह पर चप्पल जूते मारने के बरोबर बात है। डीएसपी देवेंद्र सिंह जो पुलवामा में पदस्थापित था, जब वो कहते थे प्रधानमंत्री नोटबंदी से भाइयों बहनों मित्रों चार चार पुस्तों की कमर टूट गई, देश की 10 पुस्तों की कमर आपने तोड़ दी, आतंकवादियों के हौसले बुलंद थे, इन्होंने तो डीएसपी देवेंद्र सिंह के पक्ष में रैली नहीं निकाली, आप रैली निकालते हो कठुआ में। सवाल उठता है ना, जो डीएसपी देवेंद्र सिंह नोटबंदी के बाद दिल्ली चुनाव से पहले आतंकवादी ला रहा था, उस पर एनआईए चार्जशीट दाखिल क्यों नहीं की? इसका मतलब पूरी की पूरी स्क्रिप्ट
जांच। एक बात बताइए, सैटेलाइट ये बता देता है कि पंजाब के खेत में, हरियाणा के खेत में पराली जलता है तो वह धुआं यहां से वहां उठ के आता है, और सैटेलाइट ये नहीं बताता है कि पुलवामा में कब आ गया आतंकवादी, वो कार किसकी थी जिस कार में 300 किलो आरडीएक्स था। सैटेलाइट ये नहीं बताता है कि गलवान में कब चाइना घुस रहा है। ये सब बरगलाने की बात है। अब निश्चित तौर पर हम इस समाज के मुरीद हैं और इनको नमन करते हैं। ये फिर ये उनकी उम्र देखिए, घर में आराम करने की थी, इनकी उम्र यहाँ आने की नहीं थी। आप इनकी उम्र देखिए, इनकी उम्र ये आराम को हराम समझा। जब देश में ईस्ट इंडिया पार्ट टू के लोग, गोरे अंग्रेजों के दलाल और मुखबिर, ये चड्ढी वाले फिर से देश को गुलाम बनाने की ओर जा रहे हैं, इन्होंने अपने घर की खुशी, चैन, सुख सब छोड़कर सड़कों पर आए। क्यों आए? कि देश को बचाना है। इनका कुंभ, इनके में शरीर में जो खून है वो भगत सिंह का खून है, गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह जी का खून है, गुरु तेग बहादुर जी का खून है। इनके खून में सावरकर का खून नहीं है, इनके खून में नाथूराम गोडसे देश का जो पहला आतंकवादी था उसका खून नहीं है। ये वही हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि किसान ईश्वर के सहायक होते हैं, राजा अपने राज्य का पालक होता है, ये देश के अन्नदाता किसान तो पूरी मानवता के पालनहार हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, रामायण के दोहे पढ़ते हैं क्या फायदा भैया, जुट्ठों के आप लड़ा रहे भगवा वस्त्र पहनकर कालनेमी राक्षस की तरह, रावण की तरह, हैं? हिंदू धर्म में कहाँ लिखा हुआ है? और हिंदू धर्म की रक्षा किसने की आपको भी पता होगा, इन्हीं लोगों ने तो की थी। गुरुजी वो बगैर शीश के नहीं दान करते, अपने गुरु गोविंद सिंह जी अपने बच्चों की कुर्बानी नहीं देते तो आज हिंदू धर्म बचता क्या? तो कैसे हिंदू धर्म के ठेकेदार हो सकते हैं ये? रामायण के दोहे पढ़ते हैं, मन की बात में कहते हैं, कहते हैं 100 दिन में अच्छे दिन नहीं आए तो सूली पर लटका देना। कह रहे थे काला धन काला धन, काला धन का पर्चा का नेहरू फाड़ दिया ऊपर से, नेहरू जी कहते हर बात में कांग्रेस पर लगा रहे, कांग्रेस के कथावाचक हैं आप। आपको देश ने लीडर चुना है, आप डीलर बने हुए हैं, देश देख रहा है। जब आप एक बात बताइए, 30 दिसंबर को पहला कोरोना का केस आया, 31 दिसंबर को WHO ने कहा, तो आप क्यों दिल्ली चुनाव में व्यस्त थे भाई? आपका तरीपार गृह मंत्री पर्चा बांट रहा था, आप रैलियां कर रहे थे, कोरोना भी अछूत मानता है इनको, ट्रंप की गुलामी की जा रही थी। 23 मार्च तक मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाला वाले आटा चोर कंस मामा की सरकार बनाई गई और देश को कोरोना से छुपाया गया। क्यों? ये देश सवाल पूछता है, क्यों ट्रेनें बंद की गई? थाली पीटने से, अगरबत्ती जलाने से, या दिया मोमबत्ती जलाने से भाग जाएगा? रामायण में साफ दिखाया गया, जब प्रभु श्री राम के भाई लक्ष्मण जी मूर्छित होते हैं तो संजीवनी बूटी लाई गई, लंका से सुसेन वैद्य को बुलाया गया, मतलब अस्पताल की जरूरत थी, डॉक्टर की जरूरत थी। प्रधानमंत्री वो काम करते नहीं, 6 साल में 6 अस्पताल बनाए देश में, नहीं। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देना था, दिया नहीं। हर गांव सांसद को 5 गांव आदर्श बनाना था, बनाया नहीं। 15-15 लाख रुपए दिए, नहीं। 20,00,000 करोड़ रुपए का चूरन कहां गया? गर्म पानी से लेकर ठंडा पानी से कि दूध के साथ, कहां है पैसा भैया? अरे कातिया, गले से पट्टा हटा लो, कातिया के कुत्ते मत बनो। जो 2.5 किलो का हाथ कहां गया, जो 2.5 कदम अपने किसानों के साथ नहीं चल सकता? कहां है अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर, अजय देवगन, सैफ अली खान जैसे लोग? जब इनको फिल्मों में पैसा कमाना होता है तो ये वेशभूषा अपना लेते हैं। आज सवाल है ना, आओ ना, क्यों नहीं आ रहे? कौन सा धर्म कहता है भैया? यहाँ सभी धर्म के लोग हैं, मैं तो बिहार से हूँ, हमारा गुरु गोविंद सिंह की जो धरती है, हमारा तो नाना से संबंध है, पूरा देश का किसान है यहाँ। तो जिस तरीके से मीडिया के लोग पालतू कुत्ते की तरह खड़े हैं कि मालिक बोटी खाएगा फेंकेगा, क्यों नहीं करें? आखिर दैनिक भास्कर के प्रमुख मोहित अग्रवाल को कैसे राज्यसभा सदस्य बनाया गया? कैसे जी न्यूज के मालिक सुभाष चंद्रा को राज्यसभा सदस्य बनाया गया? जो भाजपा का जो परिंदा सुभाष चंद्रा 35,000 करोड़ रुपया लेके फुर हो गया। नीरव मोदी मेहुल चौकसी बाहर भाग जाता है, देश के नेता किसान भाई नहीं जा पाते हैं, दिल्ली चंद कदम में है। तो इनको शर्म नहीं आती? शर्म आनी चाहिए। आइए बैठिए, जनसंवाद कीजिए पार्लियामेंट सीट पर, रामलीला मैदान में सवाल उठता है ना। कंगना रनौत जो चंद सिक्कों के लिए ठुमके लगाती है वो हमें 100 रुपये देगी? कंगना का छज्जा टूटने पर देश के तमाम लोगों का पेट में दर्द, सर में दर्द होता है। आज देश के किसान अन्नदाता कई भाई शहीद हो गए, हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। सवाल है जिस ठेका प्रथा का, आप एक बात बताइए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी गलत तो नहीं थे ना जिन्होंने देश की आज़ादी कराई, ठेका प्रथा को ख़त्म किया, आखिर क्यों प्रधानमंत्री जी लागू करना चाह रहे हैं? मंशा साफ है, अंबानी अडानी को कैसे फायदा पहुंचाया जाए। जब मुकेश अंबानी जियो फोन लॉन्च करता है, प्रधानमंत्री जी ब्रांड एम्बेसडर सेल्समैन सप्लायर बनकर MTNL और BSNL जैसी कंपनी को डुबा देते हैं। जब मुकेश अंबानी रिलायंस पेट्रोलियम लॉन्च करता है तो भारत पेट्रोलियम जैसी नवरत्न कंपनियों को डुबाया जाता है। जब HAL जैसी कंपनी है जो अनिल अंबानी रिलायंस तरीके से अपना जो भी है इधर रखना चाहते हैं, दिल्ली में आए हैं भाई, अपना शांति से
अपनी बात रखने के लिए आए हैं, कोई झगड़ा करने के लिए नहीं आए। झगड़ा कर रही है पहले हरियाणा की पुलिस, अभी दिल्ली की पुलिस, हम लोग झगड़ा नहीं कर रहे। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, बताइए पुलिस क्या पब्लिक से झगड़ा करने के लिए होती है? हमें लग रहा है। नहीं, आपको लग रहा है तो आपके लगने से थोड़ा ना सच हो जाएगा। नहीं, अभी अभी क्या ये क्या है? झगड़ा नहीं है। नहीं, ये झगड़ा क्या नहीं है, आपको नहीं पता इस समय क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? कोविड चल रहा है। कोविड हमारा गले में फांसी का फंदा डाल दिया गवर्नमेंट ने, ये हुकूमत ने हमारे गांव में फांसी का फंदा डाल दिया। जिस हुकूमत की आप दुहाई दे रहे हैं ना, उस हुकूमत में 101 तरीके हैं हर फैसले को चैलेंज करने के। आप मेरे दो तरीके बताएं। हाँ, दो तरीके बताएं, बाकी 99 आप रखें। आप अदालत में करिए उसके बारे में जो आपने बंद कर दिया, पहले लिख दिया कानून, अदालत में नहीं जा सकते। पर इस समय कोविड की गाइडलाइंस चल रही है आपकी सुरक्षा के लिए। सर जी, हम लोग आपके साथ हैं, निवासियों की सुरक्षा करने के लिए। हम लोग कोई नेता नहीं है। नहीं, हम भी नेता नहीं है। हम लोग नेता नहीं है। हम भी नेता नहीं है। कोविड की चल रही है, आपकी गिनती कितनी है? कितनी गिनती है आपकी? गिनती तो हमें आप हजारों में खड़ सकते हैं, सैकड़ों में खड़ सकते हैं, आपके लिए कोविड नहीं है, हमारे लिए कोविड है। कोविड था, बिहार में इलेक्शन हुए हैं। बिहार में इलेक्शन? सर जी, मैं बोलता हूँ बिहार में इलेक्शन हुए, कोविड है। बिहार में इलेक्शन हुए तो उसके अंदर क्या आपको लगता है गाइडलाइन फॉलो नहीं हुई है? नहीं हुई। हजारों लाखों ऑब्जर्वर आप ही थे। जो मीडिया ना कवरेज इनकी देखते थे हम लोग, इनकी कवरेज है लाखों का था। सर, हम लोग कोई नेता नहीं है। टीवी में अगर पूरी दुनिया दिख जाती, हमारे लिए कोविड है। टीवी में अगर पूरी दुनिया दिख जाती तो फिर तो पता नहीं क्या बात हो जाती। सर, वो तो मालूम है। अभी आप क्या कहना चाहते हैं? हम लोग ये कहना चाहते हैं, हम लोग भारत के बशिंदे हैं, ये हमारी राजधानी है। भारत के बशिंदे, हम भी भारत के बशिंदे, इसीलिए हम लोग आपसे बात कर रहे हैं और हम भी आपसे बात ही करना चाहते हैं। ये सर, हम लोगों को परेशान मत किया जाए। हम लोग जाएंगे जंतर मंतर पर, आराम से बैठेंगे। अगर आप लोग बोलोगे फासला करके बैठे, हम लोग फासला करके बैठेंगे। अगर आप लोग मास्क ला के बोलोगे तो मास्क ला के बैठेंगे। लेकिन अभी आप लोग हमारे साथ झगड़ा मत करो, क्योंकि झगड़ा किसान नहीं कर रहा। हम लोग 50 दिन से पंजाब में बैठे हैं, एक भी ऐसे करके किसी को लाठी नहीं मारा, किसी का नुकसान। हाथ जोड़िए, क्योंकि वो हम लोग पांव को हाथ लगा देते हैं, हमें जाने दो। देखिए सरदार, नहीं ये तो आप बहस कर रहे हैं, हाथ पैर वाली बात मत कीजिए। लेकिन एक बात आप क्लियर मान लीजिए, आप वहाँ पर हैं, वहाँ रहिए, ठीक है? आप इंतजार कीजिए, ठीक है? अभी आप वहाँ वापस जाइए, ठीक है? और जब हम बात करते हैं, अभी आप वापस जाइए। हमारे को चाहे आधा घंटा रोक लो, चाहे दो दिन रोक लो, पर यहीं से जो आपने तार लगा दिया, आप अपनी ड्यूटी करें, हम अपनी ड्यूटी निभाएंगे। हमने यहीं से निकलना है, आज निकल जाए, कल निकल जाए, एक घंटे में निकल जाए, एक साल बाद 5 लाख का, एक मिनट ठीक है, कोई बात नहीं। हमने आपको हमारा पक्ष रखने दो, पहले बोला है। हम आपको निवेदन किया है, नहीं झगड़ा करती है क्या? नहीं करती। पुलिस तो आपकी सुरक्षा के लिए ही है, तो आप सहयोग कीजिए। हम कह रहे हैं आप वही इंतजार कीजिए। देखो, आप दो दिन बैठोगे, हम भी दो दिन खड़े रहेंगे। आपको अगर आप 10 दिन बैठोगे, हम भी 10 दिन खड़े रहेंगे। इसलिए पहले आप वहाँ जाइए, ठीक है जी? पहले आप वहाँ जाइए। किसाना ने हजे कुछ भी नहीं किया सी। अजी भैया, मैं भी किसान का ही बेटा हूँ, मैं भी किसान का ही बेटा हूँ। हमने भी खेती करी है, लावनी करी है, तो मैं इसीलिए मैंने भी लावनी करी है। आप क्या कहते हो, मैंने भी भैंस चराई है, किसान के परिवार से हूँ। आप जाइए। अगर मेरी बात सुने, हम लोग शंभू सेंटर में, पहले देखो, नहीं ये तरीका, पहले आप वहाँ जाइए। हमने आपकी बात सुनी, हमने आपकी बात सुनी, अभी आप वहाँ जाइए। पानीपत में मारी, करनाल में मारी, चल के चल वहाँ से। किसान हले अग्गे भी नहीं सी, ऐसा है, मैं आपके परिवार से हूँ, मैं वहाँ पर भी चल के वहाँ पर भी चला जाऊँगा, अकेला आ जाऊँगा। लेकिन आप पहले वहाँ जाइए, पहले वहाँ जाइए। आप अगर आपको मेरी बात सही लगती है तो पहले जाइए। अगर आप किसान के बेटे हो तो मैं भी किसान का बेटा हूँ, आप जाइए पहले। तो किसान हले आएंगे, किसान हले अगे बढ़ेंगे। अच्छा, पहले आप वहाँ जाइए तो सही। अब आपने कहा बात सुन ली, हमने आपकी बात सुन ली। सुरेंद्र यादव जी, आप वादा कर रहे हैं? हाँ, आप पहले वहाँ जाइए ना, आप जाइए। सुरेंद्र यादव जी, आप वादा कर रहे हैं? आप आओगे बात करने के लिए? आप पहुँचो तो सही पहले। सुरेंद्र यादव जी, आप वादा करो। बात की नहीं, आप पहुँचिए। मेरे आने की बात है, मैं आ जाऊँगा, लेकिन आप पहले वहाँ पहुँचिए। हाँ जी, पहुँच गए, पहुँचिए पहले।